हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये फ्लावर क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से बना है, दूसरी साइड से भी हमारा इसी तरह से बना है। तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए बनाते हैं। फ्लावर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो दो कलर से हम बनाएंगे, येलो और रेड कलर से। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, तो ये कपड़ा है हमारा, जैसे इसके ऊपर एक हमें सर्कल बनाना है। तो इस तरह से कोई प्लेट ले लेंगे, तो जैसे ये प्लेट हमारी 10 इंच है, तो 10 इंच का सर्कल चाहिए हमें। इस प्लेट को ऐसे रखना है कपड़े पे, इस तरह से रखा, और यहाँ से हमें ऐसे सर्कल बना लेना है। ये इस तरह से सर्कल बन गया है, ऐसे ही हम कट कर लेंगे। ये सर्कल कट कर लिया है, ये 10 इंच है हमारा। तो बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए। तो ये मैंने 10 इंच का काटा है, ये भी हमारा सेम है इसके बराबर। सर्कल बनने के बाद इस सर्कल को हमें इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर करके। तो ये हमारा हाफ सर्कल हो गया। अब जैसे नीडल लेंगे, उसमें हमें 4-5 धागे ऐसे लगा लेने हैं, डाल लेने हैं। और यहाँ पे मैं नोट लगा ली है, थोड़ा स्ट्रोंग धागा हमारा होना चाहिए। तो जैसे ये फोल्ड किया है, तो ये दोनों कपड़े हमारे बराबर आने चाहिए। तो यहाँ से हमें इस तरह से छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। ये ऐसे आएंगे हमारे, ये स्टिचेस यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। ये स्टिचेस मैंने यहाँ तक लगा दिए हैं। अब ये हमारा ओपन स्पेस है यहाँ, ये देखिए हमारा ओपन है। तो यहाँ पे हमें रुई फिल करनी है, तो ये मैंने रुई ली है, रुई को हमें फिल करना है इसमें। तो ये ओपन स्पेस है, इसमें हमें इस तरह से रुई को डालना है, ये आगे तक डालना है, यहाँ तक जितना इसमें आ सके उतना डालना है, ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा लूज रखना है। ये रू फिल कर दी है मैंने। अब जैसे ये हमने जैसे डाले हैं स्टिचेस, जैसे हमने यहाँ से छोड़े हैं, उसी तरह हमें ये कंप्लीट करने हैं। ये स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से, ये देखिए हमारा ऐसे बन गया है। इतना बनने के बाद अब ये कपड़ा हमें इस, ये जो हमारा ये धागा है, इसे इस तरह से खींच देना है। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये देखिए हमारी शेप इस तरह से आ गई है। थोड़ा रुई को हमें सेट कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें जैसे इतना टाइट करके यहाँ पे नोट लगा लेनी है, जिससे ये हमारा खुले ना। 2-3 नोट लगा लेंगे। ये देखिए हमारा इस शेप में ये बन गया है, ऐसे इतना हमारा बन गया है। अब जैसे इसी साइज का एक और सर्कल मैंने लिया है, तो सेम साइज का है हमारा, इसे भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड किया। अब जैसे ये धागा हम तोड़ेंगे नहीं, तो ये फोल्ड किया है, यहाँ फोल्डेड साइड है, यहाँ से हमें जैसे हमने पहले छोटे छोटे स्टिचेस लिए हैं उसी तरह लेने हैं। तो पहले हमें इसे यहाँ पर ऐसे कर लेना है इस तरह से। तो दोनों को मिला के यहाँ पे नोट लगा लेंगे, जिससे ये हमारे आपस में यहाँ पे ही जुड़ जाएं। तो इस तरह से हमें जोड़ लेने हैं। उसके बाद हमें जैसे पहले हमने स्टिचेस लगाए हैं, उसी तरह से हमें इस तरह से स्टिचेस लगाने हैं, छोटे छोटे स्टिचेस लगाने हैं। ये स्टिचेस हमें यहाँ तक लगाने हैं। ये स्टिचेस जहाँ तक लगा दिए हैं, अब ये ओपन स्पेस है, तो फिर से हमें यहाँ पे रुई भर लेनी है। जैसे हमने पहले भरी है उसी तरह हमें फिल करनी है रुई। तो जैसे ये कॉर्नर तक हमें भरना है, ये कॉर्नर है, यहाँ तक हमें अच्छे से रुई को इस तरह से ले जाना है। और बाकी इसी की तरह जैसे हमें इसमें भरा है उसी तरह भरेंगे। ये रुई फिल कर दी है मैंने, इसे हाथ से हमें थोड़ा बराबर कर लेना है इस तरह से। अब जैसे पहले हमने स्टिचेस इस तरह से आगे तक स्टिच लगा देने हैं, ये स्टिच लग गए हैं। अब जैसे इस तरह से हमें खींच लेने हैं, ये पूरा इस तरह से खींच लेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे रखा है उतना ही रखेंगे, खींच के यहाँ पे नोट लगा देनी है। ये
दो तीन नोट लगा देंगे जिससे ये हमारा खुले ना। ये मैंने नोट लगा दी है, तो ये हमारे दो पीस इस तरह से जुड़ गए हैं। अब देखिए जैसे दो पीस लगाए थे इसी तरह मैंने ये पांच पीस लगा दिए हैं, उसी तरह हमारे लगने हैं जैसे दो लगे हैं। आगे आगे ज्वाइन करके पांच पीस लगा देंगे। अब जैसे ये पीस पांच लग गए हैं, इनको भी हमें यहाँ पे इकट्ठा कर देना है। जैसे ये है, यहाँ पे नोट लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से दो तीन नोट लगा लेनी है, तो ये हमारा खुलेगा नहीं बाद में, तो यहाँ से हमारा पक्का होना चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से लग गया है। अब देखिए ये पांच हमारे जैसे फूल की पंखुड़ियां होती है उस तरह से बन गया है। जैसे ये प्लेस खाली है तो इसमें हमारा ये बनेगा। तो जैसे ये भी इसी साइज का हमारा 10 इंच है यहाँ से, तो इसको भी हमें सिलना है। तो जैसे डबल धागा मैंने डाल लिया, 3-4 धागे डाल लेंगे तो और मजबूत हो जाएगा। तो इसे हमें किस तरह से सिलना है, जैसे ये सर्कल है हमारा, इसे हमें इस तरह से, ये छोटे छोटे स्टिच है ऐसे लेंगे, ये इस तरह से लिए तो सारे राउंड में हम यहाँ तक लेते हैं ये स्टिचेस। ये इस तरह से ये मैंने सारे स्टिचेस लिए हैं, तो थोड़ा खींच दिया है तो हमारा इस तरह से ऐसे बन गया है। अब इसमें भी हमें रुई फिल करनी है, तो जैसे रुई है हम इसमें फिल करते हैं। ये रुई मैंने डाल दी है। अब जैसे ये धागा है इसे हमें इस तरह से खींच देना है ऐसे, तो दोनों पकड़ के, जैसे ये धागा तो ये दोनों को इस तरह से खींच दिया, रुई को अंदर कर लेंगे अच्छे से। ये इस तरह से सारे जो प्लीट्स आगे हैं हमारे, अब यहाँ पे हमें इस तरह से नोट लगा लेनी है, दो तीन बार नोट लगा लेंगे जिससे ये हमारा खुलने ना पाए। यहाँ पे अच्छे से नोट लगा के इसे मैंने बंद कर दिया है। अब ये हमारा राउंड शेप में इस तरह से बन गया है। तो इस तरह के दो हमें बना लेने हैं। तो जैसे ये पहले मैंने बनाया हुआ है, तो इसके अंदर हमारे इस तरह से ये आएगा ऐसे एक साइड में और ये दूसरी साइड में। तो इसे हम लगाएंगे कैसे, तो इस तरह से लगा के हम सिलाई भी कर सकते हैं, इस तरह से सिलाई लगा के जैसे यहाँ से सिल सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पे जैसे ग्लू गन का यूज करूंगी, तो जैसे इसको यहाँ पे हमें इस तरह से ग्लू लगा लेनी है। ये चारों पीस है हमारे ऐसे ग्लू लग के इस तरह से लगाया, और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से बिठा देना है। तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, सिल भी सकते हैं। जैसे थोड़ी देर हमें दबा के रखना है, तो ये हमारा इस तरह से चिपक जाएगा। तो ये हमारा चिपक गया है। अब जैसे ये दूसरी साइड आ गई हमारी, तो यहाँ पे भी हमें लगाना है ये दूसरा, ये भी हम इसी तरह लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें इस तरह से ये ग्लू लगा लेनी है, ये लगा दी इस तरह से। इसे भी हमें यहाँ पे ऐसे रख देना है, थोड़ी देर रखेंगे तो ये हमारा अपने ही चिपक जाएगा। ये हमारा चिपक गया है, तो यहाँ सिलाई भी हम कर सकते हैं तो और हमारा मजबूत हो जाएगा। अगर आपके पास ये ग्लू गन नहीं है तो सिलाई लगा दें। तो ये हमारी दूसरी साइड है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये फ्लावर कुशन बनके रेडी हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।